11 लाख के सिक्के लेकर बिजली का बिल जमा करने पहुंचा युवक, जाने फिर क्या हुआ। नमस्कार। हाथरस के चिलर प्लांट पर विद्युत बकाए की 11 लाख की चिलर जमा करने से विद्युत विभाग ने मना कर दिया। विभागीय अधिकारियों ने चिलर प्लांट के मैनेजर को लिखित में दिया कि चूंकि बैंक इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के स्वीकार नहीं करते, अंत बकाए की इस राशि को सिक्के के रूप में जमा नहीं किया जा सकता। चिलर प्लांट मैनेजर ने इसे आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन बताते नोटिस देने की बात कही है। शहर के इनामी चिलर प्लांट पर 12 लाख रुपए से अधिक का बकाया होने पर विद्युत द्वारा कलेक्शन काटे जाने की चर्चा है। चिलर प्लांट के मैनेजर का दावा है कि बकाया जमा करने के लिए वह विभाग के कार्यकाल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बकाया जमा नहीं किया जा रहा। शनिवार को चिलर प्लांट के मैनेजर कपिल पाठक ने बताया कि विभाग द्वारा बिल जमा नहीं किए जाने के चलते ही प्लांट पर इतनी बड़ी रकम बकाया बन गई है। उसका कहना है कि उनके चिलर प्लांट से निकालने वाली बर्फ व दूध आदि की बिक्री से उन्हें सिक्के प्राप्त होते हैं। उन्हीं सिक्कों से वह सभी पार्टी को भुगतान करते हैं। वे लगातार आरबीआई से जारी व चलन में रहने वाले सिक्कों को लेकर भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी सिक्कों को स्वीकार नहीं कर रहे। कपिल ने बताया कि उन्होंने लिखित में अधिशासी अभ्याता को सिक्के स्वीकार न किए जाने से अवगत कराया, तो उन्होंने लिखित में सिक्के स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शनिवार को एक बार फिर वे 10,94,000 रुपए के सिक्के लेकर बिजली घर पहुंचे, लेकिन बिल जमा नहीं किया गया। चिलर प्लांट की ओर से सिक्कों में 10,94,000 रुपए के भुगतान की बात कही गई थी, क्योंकि बैंक द्वारा इससे बहुत अधिक संख्या में सिक्के स्वीकार नहीं किए जाते थे, इसलिए हम इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के स्वीकार नहीं कर सकते। हम लगातार बिल जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम बिल जमा करने के लिए पूरी रकम लेकर XEPN के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने लिखित रूप से खारिज लेने से इनकार कर दिया। इसे लेकर चिलर प्लांट की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है।